आज हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा अंबाला नगर निगम चुनाव के चलते अंबाला में प्रचार करने पहुंची। कुमारी सैलजा ने कई वार्डों का दौरा कर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मीना अग्रवाल व पार्षद उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं की और जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारे 3 प्रत्याशियों का गलत तरीके से नामांकन रद्द किया गया है, जिस पर हम कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और जनता भाजपा सरकार से तंग है। हमारे सभी प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार अंबाला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखा, आपने देखा कि किस तरह से नामांकन भरते हुए उनको रद्द करवाया, गलत तरीके से करवाया। इन्होंने अपनी उसमें अपील, अपनी ऑब्जेक्शन भी डाली, उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो गलत तरीका अपनाया गया। जो हमारे वो प्रत्याशी हैं वो लीगल तरीका ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि बाकी जगह भी जो हमारे MC हैं बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमारे कैंडिडेट और हमारी मेयर सभी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है और वो अपने कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। आपने देखा कि पिछले समय में कितना भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर, कितने गलत तरीके, गंदगी के ढेर, गलियों का बुरा हाल, आम लोग सब देख रहे हैं इन चीज़ों को। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेयर भी जीतेंगी और हमारी MC।